बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष और राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने अब रिटायरमेंट को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रिटायरमेंट को लेकर जनसभा के दौरान एक ऐलान किया है। आपको बताएं कि चुनावी साल में बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 50 साल में रिटायरमेंट की उम्र को खत्म कर देंगे। पटना में तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश और बीजेपी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 50 साल में रिटायरमेंट देने का फरमान जारी किया है, लेकिन खुद 70 साल से अधिक हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 50 साल में रिटायरमेंट के फैसले को खत्म कर देंगे। इसके साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी ने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए कहा, बिहार में बेरोजगारों को नौकरी देने पर वो क्यों नहीं बोलते हैं? तेजस्वी ने कहा कि आज बिहार में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर और नर्स नहीं है। शिक्षा को नीतीश कुमार की सरकार ने चौपट कर दिया है। बिहार में अब 3 साल में ग्रेजुएशन क्यों नहीं पूरा होता है? दरअसल तेजस्वी यादव इस चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा हर मंच से उठा रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी की हर सभा में इस बात को दोहराया जा रहा है कि अगर राज्य सरकार में आई तो सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी की इस घोषणा को विपक्ष जुमला बताने से नहीं चूक रहा है। नेशन न्यूज़ की रिपोर्ट।